एवरीवन, वेलकम टू क्रंच कैफ़े। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही झटपट और जल्दी से बन जाने वाली अरबी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल में मैं आपको बनाना बताऊंगी। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही कम टाइम के अंदर झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए बिना देरी के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अरबी ली है 500 ग्राम, यहाँ पर मैंने अरबी ली है और उसको मैंने गोल गोल सर्कुलर शेप में कट करा है। ज़्यादा मोटा हम इसे कट नहीं करेंगे, बस मीडियम ही कट करना है। साथ ही यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 15 ग्रीन चिलीज़, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, नमक लिया है और ज़ीरा। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है 3 टेबल स्पून और उसके अंदर मैंने ऑयल को गर्म होने के बाद क्यूमिन सीड ऐड कर दिए हैं 1 टीस्पून और इसको अच्छे से क्रैकल होने के बाद इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद इसको 10 से 15 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी अरबी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अरबी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसके अंदर। ये जो सब्ज़ी है ये बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के अंदर बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और अजवाइन ऐड कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। वाटर हमें इतना ऐड करना है कि जो हमारी अरबी है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने वाटर ऐड किया है 1/2 कप और उसको मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसको हम कवर कर पैन को और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। मिनट के बाद हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारी अरबी है वो कुक हुई है या नहीं। तो यहाँ पर इसे मैं पहले मिक्स कर देखूँगी और उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी कि ये अच्छे से कुक हुई है या नहीं। तो यहाँ पर इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और इसे अब यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ प्रेस कर स्पून से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ी सी कच्ची है, तो इसके अंदर दोबारा से मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 10 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी अरबी है वो अच्छे से कुक होकर रेडी हो चुकी है। इसके अंदर आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करें तो आप एक साथ ज़्यादा वाटर ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। कोई अरबी जो होती है वो जल्दी से कुक हो जाती है और कोई थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर वाटर ऐड करेंगे और फिर हम इसे कुक करेंगे। लास्ट में इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया था और ये हमारी टेस्टी मज़ेदार सी अरबी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली टेस्टी झटपट से हमारी ये रेसिपी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।